नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। संसद हमले के बाद भारत पाक के बीच हो सकता था परमाणु युद्ध। साल 2003 में छेड़े गए इराक युद्ध के मामले में जांच करने वाली समिति को पेश किए गए सबूतों के अनुसार ब्रिटेन को 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध की आशंका थी। उसने दोनों देशों को सैन्य टकराव को समाप्त करने के लिए समझाने और मनाने का प्रयास किया था। तत्कालीन ब्रिटिश विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ ने शिलकॉट जांच आयोग के समक्ष गवाही के दौरान ये खुलासे किए थे। स्ट्रॉ ने कहा था कि वो हर घंटे भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर चिंतित थे, जिसने उनके तत्कालीन अमेरिकी समकक्ष कॉलिन पॉवेल के साथ उनके करीबी संबंधों का आधार तैयार किया। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के प्रधान सचिव निलंबित। भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को सरकार ने बुधवार रात निलंबित कर दिया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि कुमार को सोमवार को गिरफ्तार किया गया और एक दिन बाद शहर की एक अदालत ने उन्हें 5 दिन की सीबीआई की हिरासत में भेज दिया, उन्हें संबंधित प्राधिकार द्वारा निलंबित किया गया। अधिकारी ने कहा कि किसी भी मामले में गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद कोई भी सरकारी कर्मी स्वतः ही निलंबित माना जाता है। पाक के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं भारत और अमेरिका। हाफिज सईद, जमात उद दावा के प्रमुख और मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता हाफिज सईद ने दावा किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारियां चल रही है। हाफिज ने बुधवार को ईद उल फितर नमाज की अगुवाई की और उन्माद भड़काने का प्रयास करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और भारत समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और वे एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। खूंखार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद ने गद्दाफी स्टेडियम में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए मुस्लिमों के बीच एकता पर बल दिया ताकि काफिरों के इरादों को नाकाम किया जा सके। सईद ने आरोप लगाया कि ड्रोन भारतीय हवाई अड्डों पर खड़े हैं और हमारे शासक विपक्ष से झगड़ा करने में लगे हैं।